हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बना रहे हैं खोया। खोया बनाने के लिए हमको चाहिए 1 किलो दूध और थोड़ा सा पानी। खोया बनाने के लिए हम जो पैन या कढ़ाई ये जो भी लेंगे उसको सबसे पहले पानी से अच्छे से धो लेंगे। पैन गीला होना चाहिए या कढ़ाई गीली होनी चाहिए जिससे कि दूध चिपकता नहीं है उसमें। इसको अच्छे से धो करके और पानी को फेंक देंगे। गैस ऑन करेंगे और गीले पैन में ही हम डालेंगे दूध 1 किलो। दूध को बीच बीच में चलाते रहेंगे जब तक उबाल नहीं आ जाता, तब तक गैस को तेज ही रखेंगे। दूध में उबाल आ गया, गैस को हम मंद कर देंगे। फुल पे नहीं रखेंगे गैस को, गैस को मीडियम स्लो हीट पे रखेंगे और इसको चलाते हुए दूध को गाढ़ा करेंगे। कोशिश करें कि दूध को लगातार चलाते रहें जिससे कि खोया बहुत अच्छा बनेगा। जो दूध किनारे पे हल्का हल्का लगने लगता है उसको कलछी से या स्पैचुला से इस तरीके से मिक्स करते रहें। खोया के लिए कोशिश करें कि फुल क्रीम का दूध लें जिससे कि खोया बढ़िया बन सके। धीरे धीरे दूध एकदम गाढ़ा होता जा रहा है, उसे इसी तरीके से चलाते हुए पकाते रहेंगे। तब दूध एकदम गाढ़ा सा होने लगा है, दूध को स्पैचुला से जल्दी जल्दी चलाएं जिससे कि दूध नीचे लगे ना। खोया बनाने के लिए हम जितनी बड़ी कढ़ाई या जितना बड़ा पैन लेंगे उतनी जल्दी खोया बनेगा। अगर छोटा पैन या छोटी कढ़ाई या छोटा भगोना लेंगे तो उसमें दूध उबालने में दिक्कत होगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। आप देख सकते हैं कि दूध एकदम गाढ़ा होने लगा है और इतना गाढ़ा दूध करने में करीब 25 से 30 मिनट के करीब लगे हैं। अगर गैस को बहुत मद्दी करके बनाते हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा खोया बनाने में। ये खोया हमारा तैयार हो गया है, एकदम गाढ़ा हो गया है खोया और वाइट है एकदम। अब गैस को ऑफ कर देंगे और खोए को एक बाउल में निकाल लेंगे। खोए को एक बाउल में निकाल लिया है। ये खोया हमने बाउल में कर लिया था, अब हम इसको इस बाउल में इस तरीके से कर देंगे। खोए से बहुत सारी तरह की मिठाइयाँ और सब्जियां बनती हैं और इसको बनाने में करीब आधा घंटा लगा है। थैंक यू।